नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.7। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट है द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन 6000 केल्विन। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन, द टिपिकल कोर टेम्परेचर इन द केस ऑफ स्टार। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज थर्मल एनर्जी। एवरेज थर्मल एनर्जी का मतलब है हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3y2kT, ये फाइंड आउट करना है। पहले से टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड में दे रखा है 6000 केल्विन, और थर्ड में दे रखा है टेम्परेचर ऑफ 10 बिलियन केल्विन। ठीक, सॉल्यूशन है ये एनसीईआरटी का 13.7। इन फर्स्ट पार्ट गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मीन्स 227 डिग्री सेल्सियस, बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। तो टी इक्वल 27 प्लस 273 इक्वल 300 केल्विन। इन दिस केस व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज थर्मल एनर्जी? तो एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी इक्वल 3y2kT। ठीक है, 3y2kT। अब 3y2 वैल्यू ऑफ k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू इज k 1.38 इंटू 10 द पावर माइनस 23। वैल्यू ऑफ t इज 300 केल्विन, आप कैलकुलेट करेंगे इसे तो 6.2 इंटू 10 द पावर माइनस 21 जूल मिलेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट में हमें टेम्परेचर गिवन है 6000 केल्विन, तो एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज थर्मल एनर्जी ये हो जाएगा आपके पास 3y2kT, यानी 3y2k की वैल्यू सेम रहेगी 1.38 इंटू 10 द पावर 23, और t की वैल्यू 6000 केल्विन लगाएंगे आप और कैलकुलेट करके लाएंगे, वो अबाउट वैल्यू होगी 1.24 इंटू 10 द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। अभी एक थर्ड पार्ट और है, वी हैव रिमेनिंग द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13.7। इन थर्ड पार्ट टेम्परेचर गिवन इज 10 मिलियन, टेम्परेचर गिवन इज 10 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन का मीन्स है के, 10 मिलियन के, इसका मीन्स है ये जो टेम्परेचर है केल्विन में आएगा, 10 मिलियन केल्विन दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 10 द पावर 7 केल्विन। तो एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी क्या होगी? 3y2kT। तो 3y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1.38 इंटू 10 द पावर माइनस 23, एंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर गिवन 10 द पावर 7 केल्विन। कैलकुलेट इट एंड वी फाइंड 2.1 इंटू 10 द पावर माइनस 16 जूल। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13.7 NCERT। ओके?